we are going to be starting the unexpected but the expected journey this time to the KVA. And you know, this journey will going to be a very thrilling, because we know where we are heading, but we don't know that, you know, like what kind of, you know, things will come across, because there is no planning, no booking, nothing else. अभी मॉर्निंग के बजे है 7:58 एंड वी आर ऑन द प्लेस ऑफ सतारा. और यहाँ पे अभी हम नाश्ता वास्ता करेंगे, तो सीधा मिलते हैं नाश्ता करने के बाद. ये आप देख रहे हो, ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने नाश्ता किया है. और अभी ये सतारा के हाईवे पे है, जैसे ही फिर अभी हम निकल जाएंगे. अभी टाइम हुआ है 11:30 और हम पहुंच गए हैं बेलगाम के अंदर फेमस इडली डोसा खाने के लिए. सो जस्ट ऑर्डर कर दिया एंड इट विल गोइंग टू बी कमिंग सून. सो देखते खाना खा के फिर निकलेंगे तुरंत ही बाकी की जर्नी के. सो अभी ये फाइनली हमारा बहुत फेवरेट मसाला डोसा आ गया है. ये जो मसाला डोसा है उसको बोलते हैं पेन्ने मसाला डोसा, और ये सिर्फ यहाँ पे कर्नाटक साइड पे ही मिलता है. सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ यू नो सो यम्मी. हमने पहली बार भी खाया था, अभी नेक्स्ट टाइम भी हम खाने वाले. सो बहुत सारा साउथ इंडियन फूड रहने. जस्ट लुक एट द साइज ऑफ इडली, यू नो इट्स सो बिग, इट्स सो मैसिव. एंड यू नो this is the kind of, you know, idli which can be served over here at Belgaum. And this is the famous idli over here. After a kind of, you know, journey of around 689 kilometers, अभी हम पहुँच गए हैं गोकर्णा, जो location कर्नाटका के अंदर आता है. So आप सब लोगों को अभी पता तो चल ही गया होगा कि KVA का मतलब है the way to कर्नाटका. Now अभी बहुत सारा कुछ है itinerary के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो explore करने की है, लेकिन हम जहाँ पर आए हैं वो ये है, बीच है, ओम बीच करके है. और यहाँ पे अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बीच को, और थोड़ा बहुत दिनों क्या है कि फ़न करेंगे. एंड यू नो अब एग्जैक्ट मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, तो सनसेट का भी थोड़ा देखेंगे. और एकदम मस्त अच्छी हवा आ रही है, और ये हवा के अंदर पूरे ये बीच का जो आनंद है वो लेने का मज़ा बहुत ही अनोखा है. तो देखते हैं अभी आजू बाजू में कुछ और मिलता है अगर एक्सप्लोर करने के लिए, तो नहीं तो फिर विल यू नो सी के रुकना है कि नहीं रुकना है या आगे बढ़ना है. सो फाइनली वी आर एट गोकर्णा बीच, और
गोकर्णा बीच के अंदर अभी स्विम करने का टाइम आ गया है. सो हियर वी हैव द कूल ब्रीज कमिंग इन, सो विल जस्ट ट्राई टू गो इन एंड विल हैव अ फन इन द वाटर.